खरगोन जिले में नगर परिषद ने तहसील दफ्तर पर अर्थदंड की कार्रवाई आरंभ की है। बताया जा रहा है स्वच्छता मिशन के विरुद्ध 100 रुपए का जुर्माना वसूलकर प्रशासन स्तर पर कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई को प्रदेश का संभवतः पहला मामला माना जा रहा है। आपको बता दें कि भिकनगांव तहसील परिसर में कचरा जलाया गया, जिसकी भनक लगने पर नगर परिषद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और सरकारी दफ्तर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए 100 रुपए का जुर्माना वसूला, जिसे एक बड़ी कार्रवाई के रूप में माना जा रहा है। नगर परिषद प्रभारी मनोज गंगराड़े ने बताया कि स्वच्छता मिशन के विरुद्ध खुले में कचरा जलाने की दशा में दंडात्मक कार्रवाई की है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। तो नगर परिषद द्वारा पिछले दिनों एक विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें कचरा जलाने पर और गंदगी फैलाने पर दंडात्मक कार्रवाई है। आज तहसील कार्यालय में कचरा जलाया गया और कचरा फैलाया गया, क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी क्या? मेरा संज्ञान में बात आई है, मेरे तहसीलदार साहब से भी संबंध में बात हुई है। तहसील प्रांगण में कुछ कचरा जला हुआ जरूर है, मैं भी गया था स्पॉट पर, तो निश्चित ही हम स्वच्छता भारत मिशन अधिसूचना हमने जारी की है, उसके अंतर्गत यदि गलती हुई है तो चालानी कार्रवाई की जाएगी। कितने की राशि की चालान पड़ा है? 100 रुपये का प्रावधान है, उसमें 100 रुपये की चालानी कार्रवाई की जाएगी। नगर में कोरोना को लड़ने। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।